This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. Desh duniya se judi tamam khabron ke liye subscribe kare World Breaking News Channel. LOC par raat bhar hoti rahi golibari. Captain samet 4 jawan shaheed. School college band. Pakistan ki or se ravivar ko ceasefire ke ullanghan mein niyantran rekha par tabartod firing ki gayi. Isme bhartiya sena ke 4 jawan shaheed ho gaye jabki 5 anya ghail ho gaye. सेना ने भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही. पुंछ के दीवार, बालाकोट और राजौरी के बिंबर गली में रात भर सीमा पार से फायरिंग होती रही. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाक सैनिकों ने राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा से लगने वाली भीमभेर गली सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी और बमबारी की. राजौरी के बीजी सेक्टर में हुए फायरिंग में कैप्टन कपिल पुकुंडू, राइफलमैन राम अवतार, राइफलमैन शुभम कुमार, हवलदार रोशन लाल शहीद हो गए. जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने शहीद भारतीय सैनिकों के परिवार को प्रति संवेदना जाहिर की है. राजौरी के डिप्टी कमिश्नर एसआई चौधरी ने बताया कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच इलाके के 84 स्कूलों को सुरक्षा के लिहाज से बंद करा दिया गया है. हमने रिलीफ कैंप की व्यवस्था कर रखी है. इमरजेंसी की इसी स्थिति में लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा. इससे पहले पुंछ जिले के पाक की तरफ से किए गए सीजफायर उल्लंघन में 15 साल की एक किशोरी और एक जवान घायल हो गए थे. पाक सैनिक ने नियंत्रण रेखा से गलत लगते अग्रिम चौकियों पर गांव को निशाना बनाया था. बता दें कि इसी साल पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीजफायर के उल्लंघन में 9 सुरक्षा बलों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए हैं, जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना की ओर से छोटे हथियारों, ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की गई. पाकिस्तानी सैनिकों को जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने भी गोलीबारी की. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के शाहपुर इलाके में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकी को निशाना बनाकर बिना वजह गोलीबारी की. उन्होंने भारतीय चौकियों को छोटे स्वचालित हथियारों और मोर्टारों से निशाना बनाया. भारतीय सेना ने भी मजबूत तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया. थैंक यू.